हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप लोग का स्वागत है वेस्टलैंड सर्वाइवल की करने वीडियो में। तो गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले हैं वेस्टलैंड सर्वाइवल। और भाई, अपने साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा कांड हो चुका है। मतलब क्या ही मैं बोलूं भाई, मेरा जो फ़ोन था वो भाई चलते चलते ऑटोमेटिक बंद हो गया। एंड फिर मैंने भाई उसका चार्जिंग वगैरह देखा तो भी भाई फिर खुला ही नहीं भाई उसका। तो चार्ज एक बार बंद हो गया तब से, मतलब पता नहीं भाई क्या दिक्कत हुआ होगा। अभी तो वो फ़ोन भाई शॉप पर पड़ा हुआ है भाई, जब मतलब खोलेंगे उसको एंड उसकी प्रॉब्लम भाई देखेंगे फिर बताएंगे कि क्या गड़बड़ हुआ है। और उसमें अपना भाई ये वेस्टलैंड सर्वाइवल का पिछला एपिसोड था वो मैंने उसमें रिकॉर्ड किया था एंड उसको अपलोड भी नहीं अभी तक किया था। तो भाई मतलब बंद हो गया तो उसमें से वो वाला मतलब एपिसोड निकाल भी नहीं सकता हूँ मैं अभी। एंड पता नहीं अगर कोई सीरियस दिक्कत हुई होगी तो भाई बनेगा भी नहीं और वो वाला एपिसोड आ भी नहीं पाएगा। एंड उसका तो भाई बाद में अपन देख लेंगे। एंड मतलब आज अब मैं खेल रहा हूँ भाई अपने मम्मी के मोबाइल में। एंड मतलब कम मिलता है भाई खेलने को अभी, एंड जितना मिलता है उतने में भाई एक दो वीडियो बना लेते हैं अपन। भाई मैंने पिछले एपिसोड में भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा सामान वगैरह भाई फाइंड किया था, मतलब जो क्वेस्ट वगैरह थे अपने वो बहुत ही ज़्यादा भाई प्रोग्रेस कर लिया था। एंड आपने देखा होगा कि जब मैंने वहाँ पे जो है न्यू अपडेट आया था पेट वाला, तभी मैंने पेट वाला एपिसोड बनाया था। एंड उसमें फिर लास्ट में अपन बेचूरी कैम्प में जाने वाले थे लेकिन उस दिन जा नहीं पाए थे। फिर भाई मैंने बेचूरी कैम्प गया था एंड वहाँ पर लेडी अपनी मिस्टी क्यू थी उनको छुड़ाया था। एंड अपने को भाई रिवार्ड में जो भाई रियर गन थी एक वो मिल चुकी थी। एंड और तो वहाँ पर कुछ मिला नहीं था लूट वगैरह में, केवल गन ही एक अच्छी चीज़ थी जो कि वहाँ पर मिली थी। फिर भाई मतलब मैं आ गया था अपने बेस पे एंड बेस पर आकर पता चला कि जो भाई अपनी सिस्टर थी मौली उसको ये जो बैंडिट्स हैं इन्होंने भाई किडनैप कर लिया है उसको। तो भाई उसको अभी छुड़ाने की बारी है, मतलब कैसे भाई बैंडिट्स को मारना है एंड उसको छुड़ाना है। उसके लिए जो भाई मैंने लेडी मिस्टी क्यू को छुड़ाया था वो सैलून में थी पिछली बार, जो मैंने भाई बात की थी पिछली वाली वीडियो में, लेकिन वो भाई आया नहीं है और उसका भाई चांस भी कम है कि आएगा वो। एंड यहीं पर बैठे थे लेडी मिस्टी क्यू, उनसे मैंने बात की थी, उन्होंने बताया था कि आप उसको बेचूरी कैंप के लीडर ने किडनैप किया था तो आप उसको कैसे ढूंढ सकते हो। तो उन्होंने पता दिया था हमको कि यहाँ पर कुछ बैंडिट्स हैं, उनसे पता चल सकता है कि आपकी बहन को किसने किडनैप किया है। एंड यहाँ पर भाई बैंडिट्स थे एंड उनको मैंने मारा। और फिर उसने बताया कि जो फार्मर है एंड ट्रेडर हैं उनसे बात करो तो भाई वो लोग बता देंगे, कुछ ऐसा ही बोला था, मेरे को याद नहीं भाई काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके हैं भाई, पिछला एपिसोड रिकॉर्ड किया था फिर। और यहाँ पर भाई ट्रेडर था जिसने अपने को भाई अपने ऊपर विश्वास करने के लिए अपने को एक मिशन दिया था जिसमें कि अपने को डेंस फॉरेस्ट में जाकर वुल्फ्स को मारना था। एंड एक यहाँ पर भाई फार्मर था, इसने भी यही बोला था कि मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं, पहले ये भी साबित करो। तो इसने भी एक क्वेश्चन दिया था जो कि था भाई वुल्फ्स को मारना या फिर कैट्स को मारना। हाँ, ये कैट्स को मारना था, ट्रेडर ने क्वेश्चन दिया था जिसमें कि अपने को फॉगी प्लेटू में जाके कैट्स को मारना था। ये मैंने कर दिया था भाई पिछले ही एपिसोड में। और ये भाई वुल्फ पैक वाला भी पिछले एपिसोड में ही कर दिया था, लेकिन वो वीडियो भाई पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो भाई आप लोग देख लेना। और अपना भाई चैप्टर 2 भी यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। तो भाई अपनी सिस्टर को कब किडनैप किया था, फिर चैप्टर 1 एंड हो गया था एंड उसके बाद भाई चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ था। चैप्टर 2 में केवल यही दो क्वेस्ट आए थे जो भाई मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, फॉगी प्लेटू एंड डेंस फॉरेस्ट में जाके। बस अभी इनसे भाई रिवार्ड्स लेना है एंड ये भाई पता नहीं क्या बोलेंगे आगे, क्या बोलते हैं कि मतलब कहाँ मिलेगा अपना जो बेचूरी कैंप है, इसने भाई अपनी सिस्टर को किडनैप किया है। तो मैं इनसे बात करता हूँ जल्दी से, मतलब अभी मैं जो ये रीड करता हूँ इतनी देर तक एंड मतलब बोरिंग लगता होगा आप लोगों को, तो मैं सीधा पढ़ लेता हूँ एंड फिर आपको तो बता देता हूँ। एंड अभी ले लेते हैं भाई यहाँ से अपने को 10 सिल्वर कॉइन मिलेंगे जो कि भाई काफ़ी अच्छी बात है। चलो भाई इससे मैंने ले लिया एंड अपना ये वाला क्वेस्ट भी हो चुका है कम्प्लीट। एंड अभी अपने को ट्रेडर से क्वेस्ट मतलब रिवार्ड लेना है। I got to admit for new the black squares are doing their part of the deal and I will do mine now and pray for you to stay alive। एंड चलो भाई इससे भी अपन रिवार्ड ले लेते हैं। एंड अभी अपना न्यू फ्रेंड चैप्टर 2
एंड अभी तो यहाँ पर भाई कोई भी क्वेस्ट नहीं दिखा रहा है। एंड साथ से अपने को भाई बेस पर जाना है और बेस पर ही कोई आएगा, या तो रिकॉर्ड आएगा भाई अपना फ्रेंड, वहीं पे भाई देखते हैं चल के। एंड भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने प्रोग्रेस भी करी थी, एंड पिछले वीडियो में भी मैंने बताया भी था कि ये प्रोग्रेस करी है, लेकिन मैं फिर से अभी बताना पड़ेगा मेरे को कि मैंने क्या क्या भाई प्रोग्रेस करी है। एंड चलो चलते हैं। और ये भाई मैंने बैग भी बनाया था, इसके बारे में भी पिछले वीडियो में बताया था मैंने, लेकिन अभी भाई फिर से मतलब क्या क्या करना पड़ेगा। चलो भाई एंटर करते हैं अपने बेस पर और देखते हैं भाई अभी क्या करना है अपने को, यहाँ पर कौन आता है। एंड चलो भाई अपन बेस पर तो आ चुके हैं। एंड यहाँ पर भाई घोड़ा टहल रहा है। हाँ भाई मतलब एक और चीज़ भाई मतलब काफ़ी ज़रूरी बात है ना, जो हॉर्स था यहाँ पे ये आज कंप्लीट होने वाला है। इसमें मैंने भाई सारे के सारे सामान डाल दिए हैं और अभी बचा था यहाँ पे हॉर्स शू मेरे को भाई मिल चुका है। एंड भाई ये मतलब रियलमी वाले मोबाइल में सबसे ज़्यादा बुरी बात है, जब मैसेज आता है तो भाई स्क्रीन पे क्यों शो करता है। इसका भाई कोई सेटिंग वगैरह हो तो भाई कमेंट वगैरह में बताना कि मैं इसको कैसे डिसेबल कर सकता हूँ। भाई स्क्रीन पे आ जाता है तो भाई हीट हाइड करना पड़ता है, उसमें और ज़्यादा भाई काम बढ़ जाता है एडिटिंग में। एंड अपने को हॉर्स शू मिला था, मैंने कहाँ रखा था, एंड यहाँ पर था, ये रहा भाई हॉर्स शू। एंड चलो भाई अपन कंप्लीट करते हैं भाई अपना हॉर्स फाइनली। एंड भाई रिकॉर्डिंग भाई क्या ही भाई, एक मोबाइल से जब भाई दूसरा मोबाइल जब हाथ में आता है तो भाई उसका सेटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है। चलो भाई फाइनली अपन हॉर्स शू डालते हैं एंड इसको कहते हैं फाइनलाइज स्टेबल फॉर अ हॉर्स इज बिल्ड। नाउ यू कैन राइट अ हॉर्स। नाउ ट्रेटरीज आर अवेलेबल फॉर एक्सप्लोरेशन भाई बोल रहा था। एंड अभी भाई अपना यहाँ पे हॉर्स अनलॉक हो चुका है। एंड इसमें भाई चार स्लॉट अपने को और मिल जाएंगे बैग के रूप में, इसमें भी सामान अपन रख सकते हैं। और इसमें पड़ेगा ये ओट्स, जिससे भाई हॉर्स को एनर्जी मिलेगी और वो भाई अपने को ट्रैवल करने ले जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। भाई अपना क्या हो गया भाई, फूड ख़त्म हो गया भाई साहब, फूड ही ख़त्म हो गया था अपना। चलो अभी फूड हो गया। एंड इधर तो मैंने शायद पिछले एपिसोड में बताया था कि मैंने क्या क्या किया है। एंड इस मतलब सारी की सारी अपनी जो बेंच हैं वो मैंने पिछले एपिसोड में लेवल 2 की कर दी थी। एंड ये स्टोरेजेस भी लेवल 2 के कर दिए थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा भाई अपन अपग्रेड हो रहे हैं अभी तो। एंड इसको मैंने लेवल 3 पे लगा दिया था अपग्रेड होने के लिए। एंड इसको भी लेवल 3 पे कर दिया था। एंड इसको भी मतलब ये केवल 3 बेंच ही लगाई थी लेवल 3 पे। एंड ये भाई हो रही हैं लेवल 3 पे, जो हो जाएंगे तो भाई लेवल 3 के अपन वेपन्स वगैरह बना पाएंगे, काफ़ी अच्छी बात है। एंड कुछ पता नहीं भाई मतलब क्वेस्ट अपना आगे ही नहीं बढ़ा। एंड अभी भाई कोई मतलब अपने रैंच पर भी नहीं आया है, जैसे भाई अपना रिकॉर्ड आया था चैप्टर 2 जब चैप्टर 1 एंड हुआ था तो मैसेंजर आया था, वैसे भाई मतलब कुछ तो आया नहीं है अभी। भाई देखते हैं अपन आगे आ जाएगा जो भी आना होगा। एंड अपना मेल बॉक्स भाई देखते हैं, मेल बॉक्स में भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये मैंने कुछ कलेक्ट नहीं किया है भाई इतने दिनों से। एंड अभी इसको अपन कलेक्ट कर लेते हैं। और इसमें ये भाई अनकॉमन ट्यूब एंड कॉमन ट्यूब एंड रेयर ट्यूब भी हैं। एंड इसको अपन आज ओपन करते हैं और देखते हैं भाई क्या क्या रिवार्ड मिलता है अपने को। सबसे ऊपर से कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। और मैंने काफ़ी ज़्यादा बार वो कैनियन ट्रायल्स भी किया है तो भाई उसमें अपने को ब्रॉन्ज इंगट्स एंड फालतू का सामान भाई काफ़ी सारा मिला है, सब अपन डाल देते हैं। इसमें ओट्स भाई मिला गया, काफ़ी अच्छी बात है भाई, अपना ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। एंड इसमें भाई इसी सब डालना है। एंड इसमें कुछ आएगा, इसमें डाल देते हैं। एंड इसमें कपड़े में भाई लेदर था अपने पास। एंड इसमें अपने ये क्या थे, एंड अपने पास ये भाई रिंग्स वगैरह भाई काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, मतलब इससे ये है मतलब डिफेंस वाली एंड ये है अटैक स्पीड वाली, मतलब ठीक ठाक है भाई। रिंग्स में इतनी ज़्यादा क्या करूँगा भाई, मतलब हर बार तीन मतलब एक एक रिंग्स मिल जाती है तो मतलब एक वीक में 3 रिंग्स तो भाई कलेक्ट हो जाती हैं। अब भाई रिंग्स रखने के लिए भाई अपने पास जगह भी नहीं चाहिए, इसको अपग्रेड करने के लिए भाई ये सब सामान चाहिए, ये अपने पास सामान है भी नहीं। मैं इसमें भर देता हूँ मैं ये सारा सामान। और इसमें ये कुछ आएगा, ये भाई साहब अभी भी नहीं आया।
एंड अभी अपन क्या करें, ये दो ठो इसी में डालते हैं भाई, हो जा। चलो अभी फिर से अपन इसमें से निकालते हैं सामान। एंड चलो भाई और हो जा। अपने पास गन भी मिली थी भाई, मतलब डेली जो होता है डेली लूट मिलती है उसमें। ये भाई अपने को कोल्ड पैटर्सन मिली थी जो कि भाई काफ़ी अच्छी बात है। फिर से भाई स्टोरेज फुल हो गया भाई, सब कुछ मैं सामान डालता हूँ एक एक जगह पे। एंड चलो भाई मैंने सारा सामान फिर से डाल दिया। एंड फिर से कलेक्ट करते हैं भाई, जो मतलब इतना सारा सामान हो गया था भाई, इन्वेंट्री फुल हो जाती है भाई तुरंत, मतलब क्या ही भाई तुरंत इन्वेंट्री फुल। फिर से भाई सब हर एक स्टोरेज के पास जाकर भाई डालो जाके सामान। एंड अभी वुड वुड इसमें डालना था। एंड अपना स्टोन वगैरह इसमें, कपड़े में भाई ये मतलब ये वाले लेदर भाई काफ़ी ज़्यादा अपने पास हो गया है अभी, एंड इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। एंड एक वेपन था इसमें। एंड अपना भाई ट्यूब मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं आज भाई, मतलब अच्छे खासे अपने पास वेपन के ब्लूप्रिंट निकल जाएंगे। एंड अपने पास भाई 5 रियर ट्यूब भी मिले थे जो कि भाई था अपना क्वेस्ट वाला कुछ मिशन था उसी में मिले थे। फिर से इन्वेंट्री फुल भाई साहब, मतलब कितनी ज़्यादा इन्वेंट्री फुल हो रही है अभी। तो फिर से अपन भाई सारा इन्वेंट्री खाली करते हैं जल्दी से। एंड गाइस चलो फिर से कलेक्ट कर लेते हैं। अभी भाई अभी सारा सामान कलेक्ट हुआ जाके, कितना सारा भाई सामान भर गया था भाई अपने मेल बॉक्स में। एंड चलो गाइस अभी ठीक है, अभी सारा सामान कलेक्ट कर लिया। एंड अभी भाई ब्लूप्रिंट अपन ओपन करते हैं। एंड सबसे पहले भाई ये वाले बेकार वाले ब्लूप्रिंट, एंड इसमें अनकॉमन अपने को पैंट मिल चुकी है। एंड कोल्ड पैटर्सन भाई साहब ये मतलब काफ़ी अच्छी गन है भाई, 354 डैमेज है। एंड ब्लूप्रिंट लेवल 3 का हो चुका है इसका। एंड भाई साहब हैमर मिला है भाई लेवल 3 का, मतलब टीयर 3 का हैमर। एंड ये क्या है भाई, मेरे पास विनचेस्टर मिली, एंड काफ़ी अच्छी बात है भाई विनचेस्टर वगैरह। एंड ब्राउन मेस बेस मस्केट भाई टीयर 4 की है ये। एंड बैकपैक एंड शर्ट वगैरह नहीं चाहिए। एंड ये भाई मतलब बेकार चीज़ मिली है। एंड भाई साहब ये गन कुछ अच्छी है भाई, टीयर 5 की गन है। एंड फिर से भाई कोल्ड वॉकर यहाँ पर ब्लूप्रिंट मिल चुका है। एंड अभी अपन अनकॉमन वाला ब्लूप्रिंट ओपन करते हैं भाई। अब क्या है भाई, बेकार शर्ट एंड बेकार सी पैंट मिली अपने को। एंड ये भाई काफ़ी अच्छे, मतलब टीयर 5 का चाकू है ये भाई साहब, टीयर 5 पर जाने पर कितना टाइम लगेगा अपने को पता नहीं। एंड यहाँ पर अभी 13 ब्लूप्रिंट हमने ओपन किए हैं जिसमें कि भाई ठीक ठाक सामान मिले, ठीक ठाक गन वगैरह भी खुल गई है। एंड अभी अपन रियर वाला ओपन करते हैं, रियर वाले में भाई कुछ खास मिल जाए कोई अच्छी गन। एंड ऑफिसर सेबर एंड ये टीयर 5 की है भाई साहब, टीयर 5 का अपने को मिला है यहाँ पे, लेकिन मतलब टीयर 5 पर अपन कब पहुँचेंगे। एंड इसका अपन रीरोल कर लेते हैं, अभी जो अपडेट आया है उसमें अपन रीरोल कर सकते हैं अगर ये कोई ब्लूप्रिंट आपको नहीं चाहिए तो। यहाँ पे मैं ऐड देखता हूँ। एंड गाइस मैंने ऐड वगैरह तो देख लिया, लेकिन फिर भी वही भाई बेकार चीज़ मिली है अपने को भाई, मतलब पियर फॉर हैट। मैंने सोचा था भाई गन वगैरह मिल जाएगी। एंड यहाँ पर इसके अंदर बफलो भाई चाकू मिला है भाई, भाई टीयर 2 का भाई, मतलब टीयर 3 का खुल जाता है भाई कोई चीज़। एंड यहाँ पर भाई टीयर 4 की रिवॉल्वर खुल चुकी है अपने पास, लेकिन भाई ये टीयर 4 की है, लेकिन अपन अभी तो कुछ बना नहीं था। गन्स लिंगर हैट मिल चुकी है, मतलब काफ़ी अच्छे ब्लूप्रिंट मिले हैं, लेकिन भाई अपन बना नहीं सकते हैं इसमें से ये हेलमेट रिवॉल्वर या टीयर 4 की। एंड मतलब ठीक ठाक भाई मिल चुका है, लेकिन भाई अपने को भाई मज़ा नहीं आया भाई फुल, जैसा भाई सोचा था कि आएगा ये ब्लूप्रिंट ओपन करके। एंड अभी अपने को क्या करना है, एंड भाई मतलब कोई क्वेस्ट आगे बढ़ा ही नहीं, और भाई मतलब अपना कोई मतलब थोड़े दिनों में वो आने वाला है, मतलब हॉलोवीन का अपडेट, मतलब नहीं हॉलोवीन का इवेंट आने वाला है, तो उसके ऊपर भाई गेम में अपडेट आ चुका है जिसमें कि भाई अपने को खतरनाक से रिवार्ड मिलेंगे हॉलोवीन के ऊपर। एंड ये देखो भाई हार्वेस्ट फेयर, एंड ये भाई स्टार्ट होगा 21 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगा। एंड इसमें अपने को ये भाई कुछ मिलेगा, एंड अपना ट्रेन अटैक वगैरह कुछ होता है उसमें भाई, मतलब इवेंट में कुछ खास आएगा
एंड अपन स्पिन कर सकते हैं, ये है अपना, एंड इधर शायद से हॉलोवीन का ही कुछ है, एंड फिर इसमें से भाई अपने को रोज के रोज शायद से रिवार्ड मिलेगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड ये सारे रिवार्ड्स हैं। एंड इसमें भाई काफ़ी अच्छे अच्छे रिवार्ड्स हैं, एंड VIP डे मिल जाएगा भाई 3 डेज के लिए। इसमें अगर अपन लास्ट तक आते हैं तो भाई काफ़ी अच्छे अच्छे रिवार्ड इसमें अपने को मिल सकते हैं, तो भाई मतलब काफ़ी अच्छी बात है भाई। मतलब काफ़ी ज़्यादा अपडेट आते रहते हैं इस गेम में, मतलब एक ही मंथ में 2 अपडेट्स ऐसे आ चुके हैं। एंड हाँ भाई, पिछला एपिसोड पेट वाला था एंड आज फिर से अपडेट भाई, हॉलोवीन का इवेंट आया है उसके ऊपर अपडेट। मतलब काफ़ी अच्छा गेम है भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा अपडेट वगैरह आते रहते हैं। तो गाइस आज दूसरा दिन है, कल मैंने भाई जल्दी में बंद कर दिया था, मेरे को जाना पड़ गया था भाई अर्जेंट। एंड आज अपने को भाई कहना था भाई चैप्टर 2 भाई स्टार्ट नहीं हुआ था वो वाला, फिर मैं मिशन वगैरह कर रहा था, सिल्वर 1 में गया एंड फिर वहाँ पर भाई अपना चैप्टर 2 का आगे वाला मिशन आ गया था, आ न्यू प्लान करके था ये रहा, इसमें कि अपने को रिक से भाई बात करनी थी, रिक वहीं पर मिल गया था, उससे मैंने बात करी थी एंड उसने बोला था कि एक बुलेटिन को बोर्ड पर लगा दो जिससे कि भाई बेचूरी गैंग वाले भाई अग्रेसिव हो जाएंगे उनके भाई बुलेटिन देख कर, एंड ऐसा कुछ था। एंड अभी भाई मैंने बुलेटिन को वहाँ पर सिल्वर टोन में बोर्ड था उस पर लगा दिया था, फिर भाई अपने को टॉक करना था रिक के साथ, रिक से बात करना था, तो अपन चलते हैं सिल्वर टोन में, वो भाई सिल्वर टोन में ही मिलता है रिक, एंड वहीं पर चलते हैं डायरेक्ट। एंड मेरे वेपन वगैरह तो ले लिए हैं, अगर कोई ख़तरा वगैरह हुआ तो अपन वहीं पर संभाल सकते हैं, और अभी भाई एनर्जी की भी नहीं चिंता रहेगी, अपने पास हॉर्स है तो अपन कहीं पर भी जा सकते हैं हॉर्स से। एंड चलो अपन सिल्वर टोन में आ गए, देखते हैं भाई रिक अपना कहाँ पर मिलता है। एंड गाइस अपन सिल्वर टोन में तो आ चुके हैं एंड यहीं पर है रिक, चलो भाई से बात करते हैं क्या बोलता है ये। यस व्हाट आई विल टेल यू आई कैंट एंड विल नॉट मिस सच अ अपॉर्चुनिटी टू गेट रिच, गोल्ड इज द शॉर्टेस्ट पाथ वेल्थ रिस्पेक्ट एंड इन्फ्लुएंस। I know this is important to yet nor us with the discussion. I will write to the north to canyon, see you there. मतलब ये कुछ भाई गोल्ड के बारे में बात कर रहा है, चलो भाई इसको अपन कंप्लीट कर देते हैं। अभी अपने को कोई कैनियन ट्रायल जाना पड़ेगा, चलो अपन इसको ट्रैक क्वेस्ट करते हैं एंड अपने को एक कैनियन ट्रायल जाना पड़ेगा। कैनियन ट्रायल में मतलब अपने को कुछ थ्रीट वगैरह क्लियर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ ये वाला मिशन आ गया है। लेकिन भाई मेरा कैनियन ट्रायल मैंने अभी अभी भाई करके आया था, अभी अभी भाई रीसेट नहीं हुआ होगा। देखो 1 day 22 hours का टाइम रहता है, अगर आप एक बार कैनियन ट्रायल को एक्सेस कर लेते हो, तो मैं अभी अभी बिल्कुल एक्सेस किया था भाई 1-2 घंटे पहले, तो भाई अभी अपन एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो भाई अपन 2 दिन के बाद ही एक्सेस कर सकते हैं। तो भाई अपना ये एपिसोड 2 दिन के बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा एंड आज तो अपन और तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो भाई आज का एपिसोड अपन यहीं पर एंड कर दें। आज तो अपन भाई कुछ नहीं किया एंड कल ही भाई एंड कर देना चाहिए था एंड आज तक भाई वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, लेकिन भाई आज तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं एंड 2 डे का टाइम है। लेकिन भाई सिल्वर कॉइन से अपन स्किप कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर कॉइन भाई बेकार हो जाएंगे अपने, तो भाई अपना मिशन आके ही बाद में ही कंटिन्यू करते हैं 2 दिन के बाद, मतलब आज का परसों भाई कंटिन्यू करेंगे, भाई परसों मिलते हैं। तो भाई आज वाला एपिसोड यहीं तक रखते हैं, और आपको ये वाला एपिसोड भाई पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना एंड कैसे आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं वेस्टलैंड सर्वाइवल की एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।